हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेन कार ब्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स बाइक जो कि स्पोर्टी लुक में दे रखी है। ये है डोमिनर 2500 जो कि फुली एडवेंचर लुक और फुली एग्रेसिव लुक में हमें दे दी गई है आपके, जो कि इसका कलर सिल्वर और ब्लैक में कॉम्बिनेशन, लाइटनिंग ब्लैक इसे कह सकते हैं, प्लस मैट ब्लैक में पूरा ही लुक तगड़ा ही कर दिया गया है डोमिनर का। तो इसकी फुल डिटेल देंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस करेंगे, न्यू फीचर्स सब कुछ। तो हमारे साथ बने रहे जब तक इसका सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करें। मिलते हैं आगे। लगी सिनेमैटिक व्यू आपने देख ही लिया होगा सिनेमैटिक व्यू में कि इस बार क्या क्या चेंजेस में करे गए हैं, और एग्जॉस्ट पूरा अलग ही लुक दे रखा है, पूरा स्पोर्टी लुक में एग्रेसिव में दे किया है। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्सरूम प्राइस हमें मिल जाता है इसका 1,80,000 में, और इसका हम बात करें ये हमें मिल जाती है 250 cc में। सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं जो कि लुक बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। सबसे पहले हमें फ्रंट में मिल जाता है फुल LED लाइट जो कि DRL भी मिल रहा है हमें साइड साइड में, DRL टाइप में दे रखे हैं। फुल LED वाइट लाइट हमें इसमें मिल जाती है जो कि इसका पूरा स्पोर्टी लुक में दे रखा है इसकी लाइट, और ऊपर की साइड हमें दे रखा है थोड़ी हार्ड प्लास्टिक में फाइबर टाइप में ग्लॉसी ब्लैक के अंदर दे दिया गया है, और इसका मैट थोड़ा लाइटनिंग ब्लैक में दे रखा है, छोटा सा पार्ट इसका लाइटनिंग ब्लैक में है, फिर उसका पीछे वाला हिस्सा पूरा दे दिया है मैट ब्लैक के अंदर ही। और बात करें इसके सस्पेंशन साइड की, जो आगे वाला इसका दे रखा है ये हमें पूरा मिल जाता है सिल्वर टाइप में ही दे रखा है, और ये इसमें थोड़ा स्टील में मिल जाता है। और इसकी हम टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ हमें इसका मिल जाता है 100x80 मतलब 17 इंची का मिल जाता है हमें इसका, और ये हमें कुछ कुछ पूरा मतलब पूरा इसका जो अलॉय दे रखा है हमें पूरा मैट ब्लैक में दे रखा है, और जो इसका हमें दे रखा है सिर्फ थोड़ा इसके अलॉय पे ही डायमंड कट का ही दे रखा है। ये पूरा हमें डिज़ाइनिंग मिल जाती है थोड़ी स्टिकर टाइप में ही मिल जाती है, सिल्वर टाइप में हमें मिल रही है, और हमें इसमें मिल जाता है डुअल डिस्क में हमें मिल जाता है, और डुअल ABS चैनल में इसके हमें अंदर हमें मिल जाते हैं। इधर भी हमें फ्रंट में भी डिस्क दे रखी है, और रियर में भी हमें डिस्क मिल जाती है, देख सकते हैं डुअल। और ये हमें मिल जाती है 2 cooled इंजन के अंदर लिक्विड है मेरे का स्पूल्ड, और इसमें
हमें मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ हम इसमें बात करें तो यहाँ से मिल जाते हैं टू सिलेंडर्स के अंदर। इसका एक चीज़ हम देख दिखा रहे हैं, ये पूरा मैं थोड़ा स्टिकर टाइप में दे रखा है इसका, जो भी स्पोर्टी लुक दे रहा है इसका, ये एयर कूल्ड इसका यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि ये निकला हुआ है काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इसका नीचे का इंजन भी इसका काफ़ी बड़ा है, आपके बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर DTS का तो हमें मिल जाती है, बैजिंग मिल जाती है इसके अंदर DTS की, ट्विन स्पार्क, और इंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये हमें मिल जाता है पूरी, इसका जो फ्यूल टैंक देख सकते हैं, इसका जो ऊपर साइड का ना काफ़ी तगड़ा दे रखा है, सिल्वर और लाइटिंग ब्लैक में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पे हमें मिल जाता है डोमिनेर का सिग्नेचर, जो कि इसका पूरा बॉर्डर हमें दे दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ही क्रोम के साथ। और ये हमें पूरा ऊपर की साइड दे रखा है पूरा मैट ब्लैक के अंदर ही, छोटी सी हमें यहाँ पर मिल जाती है ये डिस्प्ले टाइप में ही, जो कि एल्यूमिनेटेड हम इसको बोल सकते हैं। इसमें हमें सारी ABS का दिखा रहा है, साइड स्टैंड का इसमें अलार्म टाइप में दे रखा है ABS, और बैटरी का दे रखा है सब कुछ, और बजाज का हमें देखता है बीच में हमें मिल जाता है बजाज का ही लोगो टाइप में ब्लू लाइट के साथ। और इसकी सीट हमें मिल जाती है काफ़ी कंफर्टेबल, जो कि जो पीछे वाली जो सीट है ना उसमें थोड़ा हमें मिल जाता है ऊपर की साइड में, ये हमें थोड़ा कर्व टाइप में दे रखा है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। और डी हमें स्टाइलिश में दे रखा है, जो कि स्पोर्टी लुक में दे रखा है क्रोम के साथ, बॉर्डर फिनिशिंग हमें मिल जाती है इसकी ग्लॉसी ब्लैक के अंदर ही, लाइटिंग ब्लैक, और सस्पेंशन हमें इसमें मिल जाता है थोड़ा एडजस्टेबल 6-2 वे में हमें सस्पेंशन मिल जाते हैं। और ये हमें थोड़ा स्टैंड इसके दे रखे हैं स्टाइलिश में ही, उसका ब्रेक हमें दे रखा है सिल्वर टाइप में ही, और ये ब्लैक में दे रखे हैं। और एक्सॉस्ट नोट देख सकते हैं आप, काफ़ी खतरनाक लग रहा है इसका एक्सॉस्ट नोट, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका, ये भी थोड़ा शाइनिंग वाला ब्लैक में, और ये मैट ब्लैक के अंदर ही दे रखा है। और एग्जॉस्ट नोट देख सकते हैं दो मिल जाते हैं हमें इसमें एग्जॉस्ट नोट। टायर साइज हमें पीछे वाले का मिल जाता है 130x70, मतलब 17 इंच का इसका हमें मिल जाता है, और डिस्क दे रखी है, और ABS भी हमें इसमें मिल जाता है, और साइड में हमें मिल जाता है रिफ्लेक्टर मिल जाता है रेड कलर का करें इसके पीछे की साइड की। साइड में हमें मिल जाते हैं थोड़े इसमें निकले हुए स्पोर्टी लुक में ही पूरे मैट ब्लैक के अंदर, काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और ये हमें मिल जाता है टेल LED लाइट में, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है, इसके अंदर LED लाइट्स मिल जाती है, तो इसके अंदर दे रखे हैं छोटे छोटे छोटे, इसको ब्रेक दबाएंगे जो बहुत ही खतरनाक लगती है। और हमें इसके नीचे ही नेम प्लेट के लिए वो हमें मिल जाती है इसमें वाइट LED मिल जाती है, वाइट लाइट मिल जाती है, जो कि पहली वाली जो बाइकों में आ रही थी येलो में आ रही थी, अब इसमें हमें दे दी गई है वाइट, जो कि सही है। और हमें इसमें मिल जाता है रिफ्लेक्टर नीचे की साइड में ही, फुट रेस्ट हमें बस खाली साइड के लिए जो सिंगल जो बैठेगा उसके लिए ही मिल जाती है साइड में ही, कोई फुट रेस्ट हमें अलग से भी हम लगवा सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। और ये हमें मिल जाती है चैन ड्राइव में मिल जाती है, और स्टैंड इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है आपके, काफ़ी मजबूत इसका स्टैंड है। और एक बात और बताएं, इसका वेट बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है इसका, क्योंकि इसका इंजन बहुत हैवी है, इसलिए वेट ऑफकोर्स भारी ही होगा। और ये सिंगल थोड़ा सा पार्ट है मैं इसका सिल्वर और इसमें दे रखा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है इसके अंदर। और हमें ये लेग गार्ड मिल जाता है छोटा सा लेग गार्ड, और बजाज का एक सिग्नेचर हमें यहाँ पे मिल जाता है इंजन में ही। और ये हमें मिल जाता है फुली डिजिटल, जो कि आपके डोमिनर में इतना ही अच्छा लुक दे दिया गया है इसके अंदर। मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, मोड्स Trip 1, Trip 2 और ODO, और किलोमीटर्स के अंदर हमें दिखा देगा कितना हमें किलोमीटर चल रहे हैं, स्पीड हमें यहाँ पे दिखा देगा, फ्यूल की यहाँ पे दिखा रखा है, टाइम भी दिखा देता है, स्पीड का यहाँ से भी दिखाएगा कितना उसका RPM जा रहा है, तो सब कुछ दिखाएगा इसके अंदर, किलोमीटर पर आर, सारे मोड्स, स्पीड मोड्स, और न्यूट्रल का यहाँ पे हमें दिखा देता है थोड़ा एंड टाइम में जो भी लाइट में दिख रखा है, और RPM लिमिट यहाँ पे दिखा देती है। मैं एक चीज़ और बताएं, जो कि जो इसके साइड जो मिरर है ना, मिरर इसको भी काफ़ी ज़्यादा हैवी कर दिया गया है आपके, देख सकते नहीं तो, और जो बाइकों में आते हैं ना सिंगल जो आता है काफ़ी टूटने का उनका डर रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसमें हार्ड दे दिए गए हैं
देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड इसमें दे दिए गए हैं, थोड़ा स्टाइलिश में और स्पोर्टी लुक में दे दिए गए हैं ये भी। और मिरर साइड मिरर देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं इसके साइड मिरर। एक चीज़ और बता दें, जो इसके हैंडल के जो कंट्रोल है इसके अंदर भी हमें ब्लू लाइट मिल जाती है, देख सकते हैं सब में मिल रही है, इसमें भी इंडिकेटर्स में भी और हॉर्न में भी। हॉर्न हम इसका सुना दें जो काफ़ी लाउड और क्लियर है इसका लाउड, और इसमें भी लाइट मिल रही है हमें सारी की सारी। ये इलेक्ट्रिकली स्टार्ट हमें मिल जाती है, इसमें हमें मिल जाते हैं डुअल चैनल ABS और फ्रंट डिस्क, और फ्रंट डिस्क ब्रेक साइज हमें मिल जाता है इसका 300 mm का और डिस्क। और उसकी हम बात करें कैपिलर टाइप की, फ्रंट टू पिस्टन रियर सिंगल पिस्टन कैपिलर है, और व्हील टाइप हमें इसमें अलॉय मिल ही जाते हैं। और हम बात करें दोनों टायर हमें इसमें मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। सस्पेंशन हमें इसमें टेलीस्कोपी मिल जाता है, और रियर हमें मिल जाता है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स व्हील एंड स्ट्रोक ऑफ 110 mm का। कि वेट की बात करें तो वेट इसमें हमें मिल जाता है 180 kg का, और सीट हाइट है इसकी 800 मीटर की, और ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें मिल जाता है 157 ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें मिल जाता है 157 mm का, और ओवरऑल लेंथ इसकी है 2156 mm, ठीक है। और व्हील बेस हमें मिल जाता है 1453 mm का। फ्यूल कैपेसिटी की हम इसकी बात करें तो ये हमें मिल जाती है 13 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, और एवरेज हमें इसका मिल जाता है माइलेज मिल जाता है इसका हमें 32 kmpl का, मतलब 32 का माइलेज हमें इसमें मिल जाता है। पावर इसमें मिल जाती है 27 PS की, और टॉर्क हमें मिल जाता है 23.5 Nm की, और डुअल डिस्क तो है ही। और इंजन टाइप की हम बात करें तो इंजन टाइप हमें मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC 4-वेलवे लिक्विड कूल लिड ट्विन स्पार्क FI मिल जाता है। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें मिल जाते हैं एक, समझ गया। तो कैसी लगी ये डोमिनर 250 cc में, तो जो कि इसका नया लुक हो क्या है आपके, तो कमेंट में ज़रूर बताना इसके फीचर्स के बारे में, जो कि क्या क्या इसके प्लस पॉइंट आपको लगे। तो इसमें और भी कलर हमें मिल जाते हैं जो कि हम वीडियो के एंड में इसके कलर्स दिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, और बहुत ही स्पेशल होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।